फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 1 जून 2022, आइए देखते हैं अवरनेट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है कल, एंड आज और आने वाले दिनों में क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी है 101.92, कल ये आपका 102.16 तक गया था, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द डे में थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी ये पार्टिकुलर एरिया पे है। व्हाट इट मींस, जब तक ये इसके हाई के ऊपर क्लोज क्लोज नहीं दे देता है, तब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस जारी रहेगा। एंड कमिंग डेज में अगर इसके लो के नीचे चला जाता है, देन कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर हाई लोअर लो। एंड RSI टर्म्स में भी अगर RSI ये देखना है कि ये जो रेड लाइन है ऊपर से आया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है या तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, देन सॉफ्टनेस इन डॉलर इंडेक्स विल कंटिन्यू। डॉलर रुपी में काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, इससे कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। कॉज ऑफ कंसर्न क्योंकि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ब्रेकआउट पे धमाका होगा। अभी ब्रेकआउट किधर होगा वो देखने वाला बात है। हालांकि मींस मेरा एक्सपेक्टेशंस नीचे के तरफ है, मींस ऑन ब्रेक बिलो 77.30 वी में एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ 76.70 एंड 76.30 के तरफ। बट सो मेनी डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेक होता है तो एक धमाका हो सकता है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डॉलर रुपी स्क्वीज ब्रेकआउट। अगर हम जीबीपी डॉलर पे देखेंगे, जीबीपी डॉलर पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है ये पर्टिकुलर लेवल पे। यहाँ पे अगर साइडवाइज कंसोलिडेशन करता है, दैट इज अ गुड साइन, गुड इन द सेंस जितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होगा ऊपर जाने का। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके शार्प फॉल आता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ गुड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे देखिए यहाँ पे ऑन फोर्थ में ऊपर में गया था एंड फिफ्थ में शार्प नीचे आ गया था एंड ग्रेजुअली सेल ऑफ हो गया था। तो लेकिन यहाँ पे अगर उस टाइप का शार्प रिजेक्शन नहीं होता है इन सच ए सिनेरियो और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, दैट मींस इट इज बिल्डिंग द बेस फॉर मूविंग हायर। तो यही हमें देखना है कि यहाँ पे ज्यादा शार्प फॉल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, इट्स अ गुड साइन। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में भी ये पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है एंड हमें ये पर्टिकुलर लेवल पे देखना है, दैट इज 1.0650 से 1.0800। इसके ये रेंज के बाहर होने से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा जाएगा, मींस अबव 1.08 ऊपर की तरफ जा सकता है एंड बिलो दिस वन, बिलो 1.0650 एक नीचे की तरफ सेल ऑफ हो सकता है। लेकिन कल का यूरोजोन का जो इन्फ्लेशन डेटा है बहुत ही खराब हुआ, खराब डेटा आया है, तो मींस फिर रैपिड रेट हाइक इज एक्सपेक्टेड इन यूरोजोन ऑल्सो। डॉलर येन हम देखेंगे कि कल हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है, उल्टा आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो दैट मीन द केस हमें देखना है कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर क्लोज देता है या नहीं। इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है, देन ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ये निगेट हो जाएगा एंड इन सच ए सिनेरियो वी नीड टू अगेन लुक The dollar yen chart from a new perspective, कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा या consolidation होगा। तो as of now, जैसे कि हम यहाँ पे lower high, lower low देख रहे थे, लेकिन अगर ये break दे देता है, we need to observe the chart here from new perspective. अगर हम euro INR देखेंगे, ये particular target में hit होने के बाद यहाँ पे हल्का सा resistance ले रहा है। वही बात है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या शार्प फॉल हो रहा है या नहीं, दैट इज वी नीड टू ऑब्जर्व। अगर शार्प फॉल होता है तो मींस ये एक्टिंग एज ए
ग्रेट रेजिस्टेंस। अगर ये शार्प फॉल नहीं होता या थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, दैट मींस इट इज बिल्डिंग द बेस टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर लेवल। सो आने वाले एक दो दिन में हमें देखना है कि यहाँ पे हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। अगर हम जीबीपी आईएनआर देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में ये टारगेट अभी तक छुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मींस रिजेक्शंस हो रहा है, बड़ा कोई रिजेक्शंस नहीं, हल्का सा रिजेक्शंस। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका 30th में क्या हाई के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा थोड़े टाइम के लिए, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे आपका कल के लो के नीचे थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ बन सकता है। इन सच ए सिनेरियो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट लेवल आपका 97.00 के आसपास होगा। अगर हम येन आईएनआर देखेंगे, येन आईएनआर में बेसिकली हम कल देख रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या नहीं, तो इसको हम कंपेयर करेंगे डॉलर येन के चार्ट के साथ। डॉलर येन में देखिए, अगर ये इसके हाई के ऊपर चला जाता है तो इसका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन निगेट हो जाएगा, और अगर समवेयर यहाँ से अगर फिर दोबारा नीचे की तरफ जर्नी दे देता है तो इट विल कंटिन्यू, हमें वो देखना है। सिमिलरली उसका ठीक उल्टा ये नाइनर, एग्जैक्ट उल्टा नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डॉलर रूपी का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, समथिंग लाइक दिस जा रहा है या नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं देख रहा, उल्टा नीचे की तरफ ये सपोर्ट को सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है, नीचे की तरफ हल्का सा कंटिन्यूएशन चालू है। तो यहाँ पे हमें देखना है, एक तो देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन आरएसआई का है उसको ब्रेक कर चुका है, देन देयर मे बी हायर प्रोबेबिलिटीज की ये आईना थोड़ा नीचे की तरफ और भी सेल ऑफ हो सकता है। बट वन कंसर्न इज देयर कि यहाँ पे जो प्राइस है सेंटर बैंड में रुका हुआ है, तो हमें देखना है कि ये सेंटर बैंड से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अगर ये सेंटर बैंड पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, देन देयर आर हायर चांसेस दैट येन आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स 0.6150। लेकिन उसके लिए हमें देखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है या नहीं। इन सच केस ये यहाँ पे अगर सपोर्ट होगा तो आपका जो लोअर टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सपोर्ट का इंडिकेशंस दिखा नहीं है और लग रहा है कि ये गेटिंग सोल्ड ऑफ लोअर, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट होगा अगर नीचे की तरफ जाता है तो 0.5950 से 0.5980 की तरफ एक सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी ये जो 1.2625 का जो टारगेट था वो टच कर चुका है, लेकिन कल का जो प्राइस एक्शन है एक स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप कुछ स्मॉल बॉडी कैंडल्स, व्हाट इट मींस सम सॉर्ट ऑफ पॉज। अगर पॉज के बाद हमें देखना है कि थोड़े आज या सब्सिक्वेंटली ये इसके लो के नीचे कंटिन्यू होता है या नहीं। हाँ, आज रात को आपका रेट डिसीशंस है बैंक ऑफ कनाडा का, तो जहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक कर सकता है कनाडा, और दो दिन पहले इनका आपका ट्रेड डेटा आया था वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस भी दिखा गया है। तो आज इवनिंग का बैंक ऑफ कनाडा का रेट डिसीशंस हमें देखना है, 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करता है या और ज्यादा करता है या कम करता है, ऑल्सो व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस दे आर गिविंग। अगर हम ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में कल एक हल्का सा पॉज कैंडल्स आया है, आज अगर इसके हाई के ऊपर चला जाता है, कल के हाई के ऊपर चला जाता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज हेडिंग टुवर्ड्स 0.7250। डॉलर सीएनएच देखेंगे, डॉलर सीएनएच में कल एक सेल ऑफ कैंडल दिखा गया, लेकिन अभी भी इसके लो के नीचे जा नहीं रहा है। इसके लो के नीचे जाएगा तो
हमारा जो लोअर हाई लोअर लो वाला कंडीशन से वो मेट हो जाएगा एंड सॉफ्टनेस हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर। यूके ऑयल देखेंगे, कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है बिकॉज आपका ओपेक कंट्रीज का सर्टेन सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन टू एक्सपेल रशिया फ्रॉम देयर एसोसिएशन एंड इन सच ए सिनेरियो दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस टू इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शंस। तो अभी हमें उस पार्टिकुलर डिसीजंस के लिए इंतजार करना है। लेकिन हाँ, हमारा जो टारगेट था 123.3040 का जो टारगेट था वहां पे टच एंड गो करके आ चुका है, यानी छू के नीचे की तरफ आया है। तो अभी जो रेंज है और बड़ा रेंज बन गया है। पहले हमारा जो डिस्कशन का रेंज था 97 ऑन द लोअर साइड एंड 116 ऑन द हायर साइड था। अभी ये रेंज बढ़ गया है ऊपर की तरफ 124 एंड नीचे की तरफ 97। अभी काफी सम टाइम के लिए इस रेंज के अंदर में ही हिचकोले खाने का प्रोबेबिलिटीज है अंटिल एंड अनलेस फर्दर सैंक्शंस और फर्दर एग्रीवेटिंग द वॉर सिचुएशंस होता है यहाँ पे। हालांकि रशिया यूक्रेन वाला जो टेंशन है थोड़ा सा सबसाइड हो चुका है, मींस इतना ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशंस है नहीं, लेकिन द कॉज ऑफ कंसर्न इज अगेन चाइना ताइवान वाला इंसिडेंट डेवलपमेंट। हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर ऐसा ना हो कि अगेन अनदर फ्लैश पॉइंट होके उभर आए चाइना ताइवान लाइक रशिया यूक्रेन, अगर वैसा होता है तो बहुत ही खराब सिचुएशंस और भी आने वाले हैं सामने वाले दिन में। अगर हम US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, कल ये एक कंपैरेटिव मींस रिलेटिवली बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन हायर साइड में एक आपका हल्का सा रिजेक्शन है और इसके हाई के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया है। एंड आल्सो आज जो है ये सेंटर बैंड के आसपास और ये लाइन के आसपास दिख रहा है। हमें देखना है कि ये लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ले लेता है एंड उसके बाद इसका लो को तोड़ दे देता है, इस पार्टिकुलर लो को, देन इसका और भी सॉफ्ट होना एक्सपेक्टेड बन सकता है। लेकिन अगर इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू करता है तो थोड़ा सा फिर अगेन ये ऊपर की तरफ जाएगा, मींस सम मोर इस मींस इसका जो लोअर है लोअर लो वाला निगेट हो जाएगा एंड सम सॉर्ट ऑफ अगेन वॉलेटिलिटीज आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो अभी के लिए डेली करेंसी एनालिसिस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।